नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 22 जून तक रहेगा अनलॉक 2। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं। चिराग पासवान ने 5 बागी सांसदों को दिखाया बाहर का रास्ता। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में कोविड-19 के मिले 400 से ज्यादा मामले। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 22 जून तक रहेगा अनलॉक 2। बिहार में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 1 में जारी किए गए नियमों में थोड़ी ढील दी है, जिसके तहत बिहार में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई। यह 16 जून से 22 जून तक मान्य होगी। अब सरकारी और प्राइवेट कार्यालय शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले कार्यालय 4 बजे तक खोलने का आदेश था। इसी तरह से दुकानों के बंद करने के समय में भी 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब दुकान शाम के 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही पहले की तरह अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक जारी है। बिहार में कोविड-19 के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 410 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,359 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, अरवल में 6, औरंगाबाद में 5, बांका में 2, बेगूसराय में 19, भागलपुर में 4, भोजपुर में 2, बक्सर में 2, दरभंगा में 12, ईस्ट चंपारण में 6, गया में 5, गोपालगंज में 56, जमुई में 5, जहानाबाद में 1, कटिहार में 12, खगड़िया में 14, किशनगंज में 17, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 10, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 7, नवादा में 7, पटना में 57, पूर्णिया में 22, रोहतास में 9, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 6, सारण में 18, शेखपुरा में 1, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 11, सुपौल में 25, वैशाली में 6, वेस्ट चंपारण में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 6 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 115,280 सैंपल की जाँच की गई। अगले 3 दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं। बिहार में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 3 दिनों तक बारिश से कोई राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं जताई जा रही है। ऐसे में लोगों से खास सावधानी बरतने की भी अपील की गई। IMD की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार बिहार में 16 और 17 जून को भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। सूबे में बारिश का पूर्वानुमान 18 जून तक जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में जिन स्थानों पर बारिश हुई है उनमें भागलपुर में 56 मिलीमीटर, मोतिहारी में 11 मिलीमीटर और औरंगाबाद में 17.5 मिलीमीटर शामिल है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत कोविड-19 के माहौल में कार्यरत डॉक्टर, चिकित्सा कर्मियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन या मानदेय के बराबर बोनस देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही मरीजों के लिए 250 एम्बुलेंस खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 62,50,00,000 की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गेट स्कोर के आधार पर संविदा पर नियोजित कुल 42 सहायक अभियंताओं से संविदा अवधि को अगले 1 साल और नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलेगा फ्लोटिंग हॉस्पिटल और बांटे जाएंगे फूड पैकेट। बिहार में लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जिसके बाद अब संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा पर सरकार की नजर है। यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाढ़ की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग की तरफ से राज्य की बाढ़ प्रभावित आबादी को इलाज उपलब्ध करवाने के लिए नाव पर अस्पतालों की स्थापना कराई गई है। सड़क संपर्क टूट जाने की स्थिति में नौका औषधालय बाढ़ से घिरे गांव और कस्बों में भ्रमण किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल की तरह इस साल भी बाढ़ प्रभावितों के बीच फूड पैकेट्स के साथ आवश्यक दवाओं के पैकेट भी बांटने का आदेश दिया है। बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए BSEB ने जारी की गाइडलाइन। कोविड-19 के मामलों में आई गिरावट के बीच बिहार बोर्ड के इंटर एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राज्य के इंटर स्कूल और कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जून से शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद 28 जून 2021 तक सभी विद्यार्थी ofssbihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने इस बाबत कहा है कि छात्र किसी भी विद्यालय का विकल्प चुनने से पहले वहां की पिछले साल की कट ऑफ जरूर देख ले। पिछले साल की कट ऑफ देखकर ही स्कूल की प्राथमिकता का चयन करें। इतना ही नहीं, CBSE, ICSE बोर्ड की तरफ से परीक्षा परिणाम आने के बाद भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
जूनियर डॉक्टर ने सरकार से मांगा सामान्य मरीजों के इलाज का मौका। बिहार में कोविड 19 संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल NMCH में कोरोना प्रभावितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिली है, जिसके बाद अब मरीज की संख्या लगभग 50 हो गई है। यही कारण है कि जूनियर डॉक्टरों ने सरकार से सामान्य मरीजों के इलाज के लिए अब मौके की मांग की है। प्रधान सचिव को पत्र भेजकर NMCH के डॉक्टरों ने सामान्य मरीजों के उपचार की अनुमति मांगी है। जूनियर डॉक्टरों ने आगे ये भी कहा है कि अगर अलग अलग अस्पताल एक एक करके डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाए तो इतनी समस्या नहीं होगी। कोविड 19 के लिए अस्पताल को बारी बारी से काम करना चाहिए, इससे नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। चिराग पासवान ने पांचों बागी सांसदों को दिखाया बाहर का रास्ता। लोजपा की लड़ाई और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। सोमवार को हुए ड्रामे के बाद लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने का फैसला लिया गया। इसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और पांचों बागी सांसदों को लोजपा से हटाने की अनुशंसा कर दी। मिली जानकारी के अनुसार वर्चुअल कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे। पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, साथ ही कई राज्यों के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। लोजपा चिराग गुट ने यह तय किया है कि जिन पांच सांसदों ने बगावत की है उन्हें हटाया जाना है, बाकी सभी लोग संगठन में करते रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। बिहार के 15 जिलों में खोले जाएंगे ड्राइविंग स्कूल। पूर्व निर्धारित कोटा की तुलना में बिहार में 15 जिलों में एक एक और ड्राइविंग स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग में 61 के बदले 76 मोटर चालक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का जिलावार कोटा तय कर लिया गया है, जिसके तहत अब नालंदा में 2 के बदले 3, गया में 4, मधुबनी में 3, सुपौल में 2, दरभंगा में 3, गोपालगंज में 2, पटना में 4, वैशाली में 3, पूर्णिया में 4, किशनगंज में 2, भभुआ में 2, नवादा में 2, पूर्वी चंपारण में 3, मुजफ्फरपुर में 4, जमुई में 2 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर सभी अधिकारियों को नई संख्या के अनुसार ही कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। अब चालान जमा करने के लिए नहीं लगाने होंगे सिर्फ सरकारी बैंक के चक्कर। अक्सर चालान जमा करने के लिए लोगों को सरकारी बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत अब सरकारी बैंकों के अलावा चुनिंदा निजी बैंकों में भी सरकारी चालान या इस तरह का कोई भी शुल्क जमा किया जा सकता है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि सभी निजी बैंक में यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ उन्हीं निजी बैंकों को शामिल किया जाएगा जो रिजर्व बैंक से अधिसूचित है। इसको लेकर संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही निजी बैंक में इस सुविधा को बहाल करने से संबंधित सभी प्रणाली को विकसित कर लिया गया। लोजपा में जारी उठापटक पर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी उठापटक के बीच चिराग पासवान ने सामने आकर पहली बार अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर पुराना पत्र साझा करता हूँ। जारी किए गए पत्र में चिराग ने पारस को लिखा है कि रामचंद्र पासवान के गुजर जाने के बाद से आप में बदलाव देखने को मिला। मैंने हमेशा भाइयों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। पापा के जाने के बाद आपने बात करना बंद कर दिया। पापा के रहते हुए भी आपने पार्टी तोड़ने का प्रयास किया। मैं परिवार के साथ पहले भी था और आज भी हूं। गंडक बराज में पानी छोड़ने के कारण कई गांव हुए जलमग्न। बिहार में मॉनसून की पहली बरसात में ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार में लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज में छोड़े गए 2,10,000 क्यूसेक पानी के बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इस बाबत जिला पार्षद मोतीलाल शाह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि नौली गांव में दशकों बाद इस तरह की नौबत आई है। पिछले बाढ़ के समय में पहाड़ी नदी का बांध टूटा था, इसमें मरम्मति के लिए जल संसाधन विभाग को सूचना दे दी गई है। बिहार में वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने वार्ड सदस्यों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने हर महीने वार्ड सदस्यों को लगभग 5,000 रुपए मेंटेनेंस कार्य के लिए देने का ऐलान किया है। मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत दीर्घकालीन अनुरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। संविदा ड्राइवर की सेवा अगले महीने हो जाएगी खत्म। बिहार में कार्यरत संविदा ड्राइवर की सेवा अगले महीने की 31 तारीख को समाप्त होने वाली है। इस बाबत पटना स्थित पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग ने एक पत्र जारी किया है। पत्र के मुताबिक बिहार पुलिस में संविदा के आधार पर जिन चालक सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी उनकी संविदा अब समाप्त कर दी गई है। इस पत्र की माने तो कार्मिक और कल्याण विभाग के आदेश के अनुसार बिहार पुलिस में संविदा पर बहाल चालकों को जारी किए गए तारीख के बाद कोई मानदेय नहीं मिलेगा।
मंदार का रोपवे जल्द ही हो जाएगा शुरू। मंदार पर्वत पर रोपवे की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। जानकारों की माने तो निर्माण में बिजली कनेक्शन की अटकी बाधा भी दूर कर ली गई है। डीएम सुहर्ष भगत ने इसे 15 दिन के अंदर पूरा करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब इसको कभी भी शुरू किया जा सकता है। रोपवे सुचारू रूप से परिचालन के लिए 2 ट्रांसफार्मर भी लग गए हैं, जिसमें 1 ट्रांसफार्मर मंदार की तराई में लगा है। दूसरा ट्रांसफार्मर मध्य रोपवे स्टेशन सीताकुंड के पास लगाई जाएगी। लोअर स्टेशन का ट्रांसफार्मर चार्ज भी कर दिया गया है। अब वैक्सीनेशन के लिए नहीं होगी कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत। वैक्सीनेशन के लिए अब आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं होने वाली है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड 19 टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ऑफलाइन यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जाकर कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें, देश में अब 26 करोड़ के करीब लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोविन ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग स्मार्टफोन ना होने और अन्य समस्याओं के कारण टीके के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब यह अनिवार्य नहीं होगा। भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। भारी बारिश होने के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। जिसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियर को तटबंधों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया। साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलॉट किया गया है। भाजपा ने जारी किया टीकाकरण जागरूकता रथ। कोरोना के मामलों के बीच भाजपा ने टीकाकरण जागरूकता रथ को बीते दिन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रथ रवानगी के मौके पर मौजूद दिखे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहा कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए रथ बिहार के गांव-गांव तक जाएगी। इससे पहले ग्रामीण इलाकों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण एक्सप्रेस रवाना किया था। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर साफ कहा था कि सरकार इस साल सभी लोगों का टीकाकरण करेगी। मदन मोहन झा ने बिहार कांग्रेस में फूट की बात से किया इनकार। जहां एक तरफ बिहार लोजपा में जारी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी फूट की खबरें सामने आने लगी है, जिसके बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के भी कई विधायक जल्द टूटने वाले हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही इन सभी अटकलों से साफ तौर पर इनकार किया है और कहा है कि हमारी पार्टी के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, कोई टूटने वाला नहीं है। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनका हास्य बहुत बुरा है। वहीं लोजपा में टूट को लेकर मदन मोहन झा ने कहा कि इसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि भाजपा ही है। विगत विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए किस दल ने चिराग पासवान को यूज किया, अब जब भाजपा का मकसद पूरा हो गया है तो आज चिराग पासवान को वो अकेले छोड़ रहे हैं। लोजपा की कमान संभालते ही पशुपति पारस ने सूरज भान को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। लोजपा की कमान अब पशुपति पारस के हाथ में है, जिसके बाद जो खबर निकलकर सामने आई है कि पशुपति पारस खेमे से सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन राजधानी दिल्ली में बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें यह फैसला लिया गया। यानी कि अब सूरज भान सिंह के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, जिसके बाद अब कल यानी कि 17 जून को पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान पशुपति पारस की ताजपोशी करने की तैयारी भी हो रही है। लालू यादव के करीबी ने थामा वीआईपी का दामन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले बद्री पूर्वे ने वीआईपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद वीआईपी में शामिल कर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। वीआईपी के इस दांव से तेजस्वी यादव को कड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि मधुबनी से लोकसभा के पूर्व उम्मीदवार बद्री पूर्वे को वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर दरभंगा में खुशी का माहौल है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने पार्टी का विस्तार करते हुए बद्री पूर्वे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसकी सूचना जैसे ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगी तो बधाई का तांता लग गया। खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव में दरभंगा नगर से टिकट नहीं मिलने के कारण बद्री पूर्वे राजद से नाराज चल रहे थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरारा की लड़ाई 1858 में लड़ी गई। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में हुई। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला 2007 में बनी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त मंत्रालय का एक पैनल पेट्रोलियम ईंधन पर बिक्री कर में कटौती पर 2008 को सहमत हुआ। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 2012 को बस के खाई में गिरने से 30 लोगों की जान चली गई। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म 1956 में हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्रंजन दास ने 1925 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था।
राहुल द्रविड़ ही होंगे श्रीलंका दौरे पर कोच। अगले महीने भारत की भी टीम श्रीलंका दौरे पर जाने को तैयार है। वहीं इस दौर पर बतौर कोच रवि शास्त्री नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ ही जाने वाले हैं। इसको लेकर सौरभ गांगुली ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते हुए इस बात को पक्का करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य कोच रवि शास्त्री की गैर मौजूदगी में पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। भारतीय टीम को श्रीलंका में 3 वनडे और इतने मैच की सीरीज खेलनी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,600 रुपए था और 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,600 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 98.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.53 रुपए प्रति लीटर था। इसके साथ ही बिहार के ऐसे 7 जिले हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है, जिसमें अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कैमूर, किशनगंज और वेस्ट चंपारण का नाम शामिल है। आपको बता दें पिछले 6 हफ्ते में पेट्रोल 5.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6.25 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अजीत कुमार, अमर आजाद, शंकर मुखिया, रितेश कुमार, पवन कुमार, सुमित कुमार, रंजन कुमार, उमेश कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, राजीव रंजन, गौतम कुमार, कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक 2 में सरकार की तरफ से दी गई छूट के अलावा और किन किन मामलों में रियायत मिलनी चाहिए थी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।